अब हम ये एक व्यक्ति के साथ नहीं कर रहे, 25 करोड़ लोगों को, 25 करोड़ लोगों को न्याय योजना का सीधा फायदा मिलने जा रहा है। अच्छा, मैं देख रहा हूं कि महिलाएं भी ताली बजा रही हैं और पुरुष भी ताली बजा रहे हैं। अब जो पुरुष यहां आए हैं, मुझसे आप गुस्सा मत होना, मुझसे इरिटेट मत होना, बाद में मत कहना राहुल जी आपने ये क्या कर दिया। मगर 5 करोड़ बैंक अकाउंट में जो पैसा जाएगा, माताओं बहनों के खाते में जाने वाला है। ये देखिए अभी हंस रही है, अब इनको मजा आया, देखो देखो कितनी जोरों से हंस रही है। इनके बैंक अकाउंट पे पैसा जाएगा, आपको इनसे बात करनी पड़ेगी, ये आपके बीच में उनके बीच में, मैं सीधा बैंक अकाउंट में पैसा डालूंगा। मगर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं आपसे रिश्ता बनाना चाहता हूं। जो पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी ने उनको दिया, उतना ही पैसा मैं बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आसमान फट जाए, कुछ भी हो, मैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बहुत कुछ सह लिया पिछले 5 सालों में, हिंदुस्तान के किसान ने, मजदूर ने, बेरोजगार युवा ने, दुकानदारों ने, पहली बार हिंदुस्तान के दुकानदारों को 2 कुल्हाड़ी मारी, 1 नोटबंदी इस साइड धाड़, दूसरी गब्बर सिंह टैक्स इस साइड धाड़। हंसते हुए नरेंद्र मोदी मारता है काले धन के खिलाफ लड़ाई। काले धन के खिलाफ? कौन से काले धन के खिलाफ लड़ाई? लाइन में कौन सा चोर दिखाई दिया आपको? अनिल अंबानी लाइन में खड़ा था क्या? मेहुल चौकसी लाइन में था क्या? सूट बूट वाले लाइन में थे क्या? बुंदेलखंड में आपने देखा बैंक के सामने बेरोजगार युवा, दुकानदार, किसान, मजदूर, सबके सब ईमानदार लोग, उधर से नरेंद्र मोदी चलाता है काले धन के खिलाफ लड़ाई। आपके जेब में से पूरा का पूरा पैसा निकाल दिया, पूरा का पूरा, कुछ नहीं छोड़ा। 500 रुपए 1000 रुपए का नोट ले लिया, 5 रुपए का 10 रुपए का नोट आपके जेब में छोड़ दिया। भाइयों और बहनों, जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेब से पैसा निकाला, जैसे ही, माता जी आपका नाम क्या है? हां, जो पहले हंस रही थी आप, शर्माइए मत, बताइए। हां, कुसुम रानी जी। कुसुम रानी जी, आपने पैसा बचा के रखा था और आपने बिल्कुल सही किया था, अपने बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए आपने रखा था। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे पैसा छीना, कुसुम रानी जी के घर से निकाला। जैसे ही उन्होंने घर से निकाला, शर्मा रही हैं, जैसे ही उनके घर से निकाला, इनके परिवार ने माल खरीदना बंद किया। अभी बोलता हूं, इनके परिवार ने माल खरीदना बंद किया और हिंदुस्तान में ऐसे कुसुम रानी जैसे करोड़ों परिवारों ने, पैसा ही नहीं था, माल खरीदना बंद किया, शर्ट पैंट साड़ी जूता घड़ी जो भी, जैसे ही उन्होंने माल खरीदना बंद किया, हिंदुस्तान के दुकानदारों ने माल बेचना बंद किया। जैसे ही दुकानदारों ने माल बेचना बंद किया, फैक्ट्री ने माल बनाना बंद किया, फैक्ट्रियों ने माल बनाना बंद किया। फैक्ट्रियों के मालिक ने बुंदेलखंड के युवाओं को बुलाया, कहा भैया देखो अब तुम्हारे लिए यहां पे कोई काम नहीं है। वो नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी कर दी, गब्बर सिंह टैक्स लागू कर दिया, फैक्ट्री बंद है, अब घर जाओ, चलो वापस जाओ बुंदेलखंड, तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है। भाइयों और बहनों, नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स जी ने सिर्फ इनके परिवार का नुकसान नहीं किया, हिंदुस्तान के हर परिवार का नुकसान किया, हिंदुस्तान के युवाओं की जिंदगी नष्ट की। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज, कारण नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स। 27,000 युवा 24 घंटे में रोजगार खोते हैं, कारण नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स। अब हम न्याय योजना लाए हैं,
कुसुम रानी जी के घर में जाएगा पैसा, जनवरी का मैं बता रहा हूं, 6000 रुपए जनवरी, 6000 फरवरी, मार्च अप्रैल मई जून दिसंबर तक, फिर अगले साल 6000, जैसे ही पैसा जाएगा इनका परिवार और ऐसे करोड़ों परिवार माल खरीदना शुरू करेंगे। कोई शर्ट खरीदेगा, कोई पैंट खरीदेगा, कोई जूता खरीदेगा। जैसे ही कुसुम रानी जी का परिवार माल खरीदना शुरू करेगा, करोड़ों परिवार माल खरीदना शुरू करेंगे, दुकानदार बेचना शुरू करेंगे, धड़ाधड़ शर्ट बिकेगी, पैंट बिकेगी, जूता, फोन, डार्क ग्लासेस, सब का सब बिकना शुरू हो जाएगा। जैसे ही बिकना शुरू हो जाएगा, सच्चा मेक इन इंडिया शुरू हो जाएगा, फैक्ट्री चालू हो जाएगी। जैसे ही फैक्ट्रियां चालू होंगी, लाखों करोड़ों युवाओं को उन फैक्ट्री में रोजगार मिलेगा। बुंदेलखंड में लोगों को ढूंढ ढूंढ कर कहेंगे, भैया चलो 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 फैक्ट्री में काम करना है, माल बनाना है। एक बार फिर बिकना शुरू हो गया, लोगों ने खरीदी शुरू कर दी। न्याय योजना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करेगी। जैसे डीजल आप लोग आजकल ट्रक में, ट्रैक्टर में डीजल भरते हो ना, दाम कम हो रहा है या ज्यादा? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था दाम कम होगा, चौकीदार ने कहा था मुझे चौकीदार बनाओ, 56 इंच की छाती है, पेट्रोल का दाम कम कर दूंगा। अच्छा भैया चौकीदार जी एक बात समझा दो, मुझे समझ नहीं आ रही। दुनिया में पेट्रोल का दाम घटता जा रहा है, यूपीए के समय $140 प्रति बैरल, आज ₹70 प्रति बैरल, हिंदुस्तान में पेट्रोल का दाम बढ़ता जा रहा है। चौकीदार अपने मित्रों को आपके जेब में से पैसा निकालकर, पेट्रोल का, डीजल का, गब्बर सिंह टैक्स निकाल निकाल कर उसी अनिल अंबानी को देते, और वो हवाई जहाज में उड़े भैया, प्राइवेट हवाई जहाज में, और आप लोगों के खेत रात में आप चौकीदारी करो, रात को 3 बजे 4 बजे चौकीदारी करो, आवारा पशु पूरे बुंदेलखंड में सब जगह। किसान के खेत के सामने चौकीदार दिखा कभी आपको? कभी देखा आपने किसान के घर के सामने चौकीदार देखा कभी? बेरोजगार युवा के घर के सामने देखा? अनिल अंबानी के घर के सामने कितने चौकीदार देखे आपने? लाखों। अदानी जी को 6 एयरपोर्ट पकड़ा दिए, लाइन लगी है चौकीदारों की, अनिल अंबानी के घर के सामने लाइन लगी है, और उस लाइन में एक चौकीदार है नरेंद्र मोदी, उन्हीं का चौकीदार है। भाई और बहनों, आपका नहीं, हिंदुस्तान का नहीं, बुंदेलखंड का नहीं, मैं चौकीदार नहीं बनना चाहता, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। आप मालिक हो, मैं आपको अपनी मन की बात नहीं बताना चाहता। आप मुझे ऑर्डर दो, राहुल ये करना है, मेरा काम आपका हुक्म सुनना है। मैं लाल किले पे जाके ये नहीं बोलूंगा कि भैया मेरे आने से पहले हाथी सो रहा था ना, कैसे सो रहा था, देश को किसने बनाया? नहीं, नहीं, किसान ने, मजदूर ने, दुकानदार ने, युवा ने, ये माताओं बहनों ने, जरूर कांग्रेस खड़ी थी, जरूर इंदिरा जी थी, राजीव जी थे, सब थे, मगर देश को देश की जनता बनाती है। भाइयों और बहनों, आपका देश है, हमारा देश है, सबका देश है। तो हमने आपसे बात की, महिलाओं से बात की, मैनिफेस्टो बन रहा था, महिलाओं से, किसानों से, मजदूरों से, गरीबों से। 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। किसानों के पास गए हमने, उनसे पूछा भैया बताओ क्या बात है? कहते राहुल जी एक बात समझाइए, ये अनिल अंबानी जेल के बाहर है, मेहुल चौकसी बाहर, नीरव मोदी बाहर, इन्होंने बैंक से कर्जा लिया वापस नहीं दिया, ये लोग बाहर। बुंदेलखंड का कोई किसान 5000 रुपए लेता है, वापस नहीं देता बैंक से, उसको अंदर कर देते। जेल में जाइए, देखिए किसानों की लाइन लगी हुई है, किसी ने 5000 रुपए लिए, किसी ने 10000 रुपए लिए, वापस नहीं दिए, सबके सब जेल में। राहुल जी इसके बारे में क्या लगता है आपको? अन्याय है, अन्याय है,
तो राहुल जी इसके बारे में आप क्या करोगे, सोचने दीजिए। पता लगाया, मैनिफेस्टो में एक लाइन लिखी है, ऐतिहासिक लाइन, किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया पहले। सुनिए बुंदेलखंड के किसान, आप सुनिए, 2019 के चुनाव के एकदम बाद नया कानून बनेगा, हिंदुस्तान बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का कोई भी किसान, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, कोई भी भाषा बोलने वाला, कर्ज नहीं लौटाने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकेगा। आपने हुक्म किया, हमने मैनिफेस्टो में डाला। किसानों ने हमसे कहा, भैया एक काम कीजिए, अलग बजट बनाइए, हमें बताइए, साल की शुरुआत में हमें बता दीजिए हमारी सरकार हमारे लिए क्या करेगी। आपने हुक्म दिया, हम करेंगे। अगले साल, इस साल चुनाव जीतने के एकदम बाद दो बजट बनेंगे भाइयों और बहनों, एक नेशनल बजट बनेगा, और मैं आपको स्टेज से गारंटी दे रहा हूं, उससे पहले, उसके बाद नहीं, उसके पहले किसान का बजट बनेगा। नेशनल बजट के समय देखिए, लोकसभा में ऊपर बड़े बड़े उद्योगपति पेन लेके लिखते हैं, हमारा इतना टैक्स माफ हुआ, हमें इतना फायदा मिला। देखा आपने, बैठे रहते हैं, किसानों का बजट होगा, लोकसभा की गैलरी में किसान बैठे दिखेंगे, लिख रहे होंगे कि हां हमारे बजट में कांग्रेस पार्टी ने हमारी एमएसपी इतनी बढ़ाई, इतना बोनस दिया, बुंदेलखंड में इस प्रकार के फूड प्रोसेसिंग प्लांट लग रहे हैं, बुंदेलखंड में स्टोरेज की यह फैसिलिटी दी जा रही है, बुंदेलखंड में अगर सूखा पड़ेगा तो बुंदेलखंड के किसान को इतना पैसा मिलेगा। साल की शुरुआत में हम आपको बता देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी, आप अपनी प्लानिंग करो।